Ladies and gentlemen, we welcome you all to the 9th Islamabad Literature Festival. The session is Music in COVID Times Album Launch. The panelists are Sharif Awan, Athar Masood, and the moderator is Amar Aziz. I would request the panelists and the moderator to please join us on the stage. Thank you. A brief introduction about the moderator, Amar Aziz. He is a poet, translator, and filmmaker, and has won awards for his documentary films. His debut poetry collection, The Missing Prayer, will be released in 2024. He is also working on the first official English translation of the Urdu poet John Elia. Over to you, Amar. Thank you, Muniza. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very privileged and honored to be here today. हमारा जो आज का सेशन है ये बहुत खास है कई हवालों से. एक तो ये कि जब हम बड़े सगीर पाको हिंद में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की बात करते हैं, ये एक हज़ारों साल पुरानी सिन्फ है और हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ मंसूब है, एक स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म है. और इसी तरह मुसलमान सूफिया के हाँ हमें इसका यानी उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है रागों को बनाने में, बंदिशों को बनाने में. तो हमारे इस खित्ते में जो कई सदियों से, बल्कि हज़ारों साल से कहना चाहिए कि ये मौसीकी मौजूद है और शुरू से ही बहुत लिमिटेड इसके सुनने वाले रहे हैं. इसके जो लिसनर्स हैं, इसकी जो ऑडियंसेस हैं, वो लिमिटेड रही हैं. बहरहाल ये ज़रूर रहा हर दौर में कि चंद ऐसे अफराद रहे. पहले ज़माने में तो बादशाह और नवाब या बाकी जो इस तरह के लोग जो यू नो हु कुड अफोर्ड टू पेट्रोनाइज म्यूजिशियंस, दे वुड होल्ड क्लासिकल म्यूजिक रिसाइटल्स और उनकी वजह से क्लासिकल म्यूजिशियंस जो थे वो अपना काम जारी रखते थे. लेकिन पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ ये हुआ पाकिस्तान में, चूंकि और भी बहुत मसाइल हैं तो ये कोई प्रायोरिटी नहीं रही कभी भी रियासत की, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर. और बल्कि बहुत ज़्यादा उसका इरेजर भी नज़र आता है हमें. बहुत सारे ऐसे राग और रागनियाँ हैं जिनके नाम बदले गए या जिन ऐसी बंदिशों को गाना नामुनासिब समझा गया जिनमें फॉर एग्जांपल देवी देवताओं का जिक्र आता था. तो इस सारी सूरत हाल में हमें बहुत कम लोग नज़र आते हैं पिछले 75 इयर्स में जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए काम किया. और उनमें से जो एक अभी दौरे हाजिर के सबसे नुमाया शख्सियत हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शरीफ अवान साहब, जो कि हमारे आज के पहले मेहमान हैं. और मैं इनका मुख्तसर तारुफ करवा दूं, फिर मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ता हूं. शरीफ अवान साहब जो हैं ये एक कल्चरल रिवाइवलिस्ट हैं, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, एक मुसन्निफ भी हैं और तहजीब फाउंडेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में उसके ये फाउंडर हैं, उसके रूह रवा हैं. और तहजीब फाउंडेशन ने पिछले चंद बरसों में बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं और अभी तक तहजीब फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. मतलब अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो चंद आपको नज़र आएंगे. आई कैन से दैट विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि मैं खुद एक अदना सा शागिर्द हूँ इस ट्रेडिशन का. आपको चंद अदारे नज़र आएंगे तो दुनिया भर में अगर आप चंद अदारों का जिक्र करेंगे वो फिंगर टिप्स में, तो उनमें से एक तहजीब फाउंडेशन है जो इस नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसको कहा जाता है और या हिंदुस्तानी संगीत जिसको कहा जाता है, ये भी बहरहाल एक बहस है. कुछ लोग इसको कहते हैं अब कि पाकिस्तानी म्यूज़िक कुछ अलहदा है, ऐसा नहीं है. बहरहाल तो शरीफ अवान साहब ने बहुत काम किया और कर रहे हैं और तहजीब फाउंडेशन को पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं इस काम की वजह से. फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एक प्रोजेक्ट था इंडस राग, जिसको 2016 में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अवार्ड्स कैलिफोर्निया में, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से वहाँ से गोल्ड मेडल मिला. और एक और अवार्ड भी वहाँ से मिला ग्रैमी में, अगर मैं सॉरी आई शुड हैव मेंशन दिस अर्लियर. ये पहला पाकिस्तानी जो म्यूज़िक का प्रोजेक्ट है इंडस राग जो ग्रैमी के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हुआ. तो इस बात के लिए भी वी मस्ट मतलब रियली अप्रिशिएट देम. और अभी हाल ही में जिस एल्बम का आज हम लॉन्च कर रहे हैं उसको अभी अवार्ड मिला ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड, जो कि वंस अगेन बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो वेलकम शरीफ साहब, आपका का बहुत शुक्रिया कि आप
यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त. आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपके साथ आई एम शेयरिंग द स्टेज विद यू. हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर अथर मसूद हैं. वो एक स्कॉलर हैं और पर्शियन उनका सब्जेक्ट है और म्यूज़िक के भी वो म्यूज़िक के साथ भी मुंसलिक हैं और पिछले कई सालों से वो उनकी कई किताबें मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं जिसमें म्यूज़िक रिसर्च वर्क भी है और फ़ारसी अदब का उर्दू में तर्जुमा भी है. और अब बहुत वक्त ना लेते हुए हम बढ़ते हैं पहले तो शरीफ साहब की तरफ और हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि हमें ये ब्रीफली बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में भी और अगर कोई बात मेरे से मिस हो गई है तहज़ीब फाउंडेशन के हवाले से कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ वो ऐड कीजिए. बहुत शुक्रिया. कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बात आपने ज़्यादा कह दी बल्कि सच्ची बात. कुदरत की मेहरबानी होती है, कुछ खिदमत है वो कुछ हो सकी है, कुछ अभी होना बाकी है. इसी मुल्क का हम खाते हैं तो अगर इसकी सकाफत इसकी इसका कल्चर बहुत अहम हमारा एसेट है तो इसको अगर ये सदियों से चल रहा है तो इसको आगे भी जाना चाहिए. बाकी चीज़ें तो तब्दील होती रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको सिर्फ प्रोग्रेस ही करना चाहिए. हम हमारी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी होनी चाहिए. ये जो कोविड के मामलात थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए. आप जहन में रखिएगा कि हर सदी में एक बहुत बड़ी चेंजेस आती हैं किसी मर्ज की शक्ल में, किसी आफत की शक्ल में. तो हमारे हिस्से में कोविड आया है. अभी कोविड के ऑफिशियली तो कुछ साल के बाद वो ख़त्म हो गया लेकिन दरअसल उसके असरात भी जाएंगे आएंगे. जिन जिनको कोविड हुआ है, मुझे पिछले उस दौर में दो दफ़ा हुआ है. कुदरत की मेहरबानी है, मुझे नहीं मालूम कि जिन जिनको कोविड से गुजरना पड़ा उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, उनकी जिस्मानी सेहत पर या उनकी अदरवाइज. दिन बहुत मुश्किल थे और मैं अपने दोस्त जो इंटरनेशनल लेवल के हमारे लोग हैं म्यूज़िक से रिलेटेड भी और अदरवाइज भी, उनको बताता हूँ कि हमारे लिए जो भी मुसीबत दुनिया में आती है वो हमारे लिए वो दो मुसीबतों की शक्ल में आती है. तो आपके इल्म में होगा कि वही दिन जो थे वो कोविड के दिन थे और उसमें सैलाब भी आ गया, बारिशें हो गई, सैलाब आ गया. सर हमारे यहाँ सिंध में जो लोग उस वक्त बेघर हुए थे अमार भाई वो आज भी बेघर हैं, वो लोग सड़कों पे वक्त गुजार रहे हैं. ऐसे वक्त में जब दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई, कुछ लोगों को तो अपनी औकात याद आ गई, हम सब लोगों को वैसे तो, कि बिजनेस लोगों के ख़त्म हुए, उनको बहुत तकलीफ़ थी, उनको घरों में बैठना पड़ा, लोग घरों में बैठने के आदि नहीं थे. ठीक है, ट्रैवल की आदि थे वो ख़त्म हो गया. तो यानी कुदरती एक करेक्शन भी आती है, जैसे मार्केट में करेक्शन आती है इस तरह हमारे सोसाइटी में आई, लोगों को काफ़ी उनका लाइफस्टाइल भी बदला. लेकिन बहुत मुश्किल वक्त जो था वो क्रिएटिव माइंड्स पर था. लिखने वालों ने भी अपना लिखना नहीं छोड़ना था क्योंकि वो उनका उनकी ज़िंदगी होती है. पढ़ने वालों ने क्या पढ़ना छोड़ना था, गाने वालों ने भी, म्यूज़िक वालों ने भी अपना कोई काम छोड़ा नहीं. बल्कि सच्ची बात यह है कि इसका हम वैसे भी इसी बात के लिए बदनाम है कि कम से कम मैं तो हर चीज़ का जो मस्बत पहलू है वो देखूंगा. तो दुनिया भर में म्यूज़िक भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ. हमारे लिए तजर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ था क्योंकि हमारे म्यूज़िशियन वैसे ही बहुत गरीब हैं, बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं. उनकी मदद करना भी यानी मतलूब था. और ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू कुदरत की मेहरबानी से हम कर सके. इस वक्त कम से कम 100 के करीब तो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं म्यूज़िशियन और इनके अलावा कोई 150 फैमिलीज़ हैं पाकिस्तानी क्लासिकल और फोक म्यूज़िक म्यूज़िशियंस की जिनकी मदद हो सकी. तो ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर तो वो था अपने एक्सप्रेशन का था और दरअसल फिर आर्टिस्टों की वेलफेयर का की शक्ल में तब्दील हो गया खुद ही. खुदा के साथ इसको कबूल करे, मैं क्या कह सकता हूँ. बहुत शुक्रिया अवान साहब. इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँ, मैं एक और आपसे इस बारे में एक कमेंट लेना चाहूँगा. चूँकि देखिए, और
चंद दोस्त शायद यहाँ ऐसे भी मौजूद हों जो फेमिलियर ना हों कि इसको इस म्यूज़िक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। ये एक ओरल ट्रेडिशन है, ये एक सीना ब सीना चलती हुई रिवायत है। हमारा म्यूज़िक जो है क्लासिकल म्यूज़िक, आर्ट म्यूज़िक, ये उन चंद रिवायतों में से एक है जिसको लिखा नहीं गया, मतलब अनलाइक वेस्टर्न म्यूज़िक फॉर एग्जांपल, आवर म्यूज़िक इज़ नॉट रिटन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जिन असाज़ा के पास ये मौजूद है उनको उनको ऐसे हालात मैसर हों कि वो आगे ये सिखा सकें। और इस सारे मामले को लेके तहजीब फाउंडेशन ने अपना किरदार अदा किया और कर रही है। तो ये जब आपने सर ये म्यूज़िक इन कोविड टाइम्स अवान साहब ये शुरू किया, इसका आपके जहन में, क्योंकि पहले से भी आप कर रहे थे मौसीकी, यानी कि रिकॉर्ड भी कर रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे, लेकिन इसमें इस वक्त में ऐसी क्या आपको क्यों लगी, ऐसी अर्जेंसी क्या थी? क्या ऐसे असाज़ा थे जो गुजर रहे थे? क्योंकि मुझे याद है 2020 में हमारे चंद एक असाज़ा जो थे वो गुजरे भी, बीमार भी हो गए। तो आपको कुछ ऐसी अर्जेंसी का एहसास हुआ कि अब इनको मज़ीद डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है? सर ये आपसे सवाल, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा जी। ये हमारा तो देखिए, हमारे फेस्टिवल्स रुक गए थे, तो हमने सोचा कि दुनिया के हर जहाँ जहाँ हमारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो ये रिकॉर्डिंग हमारी टीम्स हमने फराहम की। दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ, बरतानिया में रिकॉर्ड हुआ, फ्रांस में रिकॉर्ड हुआ, जर्मनी में, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम खुद गए, क्योंकि ऑडियंस अवेलेबल नहीं थी और ये चीज़ें रिकॉर्ड करके फिर हमने ऑडियंस तक पहुँचानी थी। तो हमने 2-3 साल ये प्रोग्राम, जब तक के लाइव प्रोग्राम नहीं शुरू हुए, तो ये करना ज़रूरी समझा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो है डॉक्टर अथर मसूद साहब, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, ये स्कॉलर भी हैं, म्यूज़िक ख़ुद भी म्यूज़िक के प्रैक्टिशनर हैं, दोनों ही साहिबान, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये भी एक जो होता है ना कि अच्छा ये जो सिर्फ ऑर्गेनाइज़र है ये कोई और है और परफॉर्मर कोई और है, इनके होते हुए वो वाली लाइन जो है वो ब्लर हो गई है, क्योंकि ये लोग खुद भी परफॉर्मर्स हैं और ये उसकी प्रमोशन के लिए काम भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर अथर मसूद साहब से मेरा सवाल ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक का जो हमें पाकिस्तान में एक डिक्लाइन नज़र आता है, क्या उसमें एक ये वजह है कि एक टैबू इसके साथ एसोसिएटेड है, कोई ऐसा शर्म का एक एहसास निदामत है जो अवामुन्नास में कोई मौजूद है, कोई ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं कि मतलब जिस तरह अगर किसी का बच्चा गिटार सीखना चाहता है तो वो उसको शायद वो उसको इंकरेज किया जाएगा, लेकिन अगर कोई तबला सीखना चाहता है तो वो आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि वो इतना ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि सारे पस मंज़र में जो ये काम कर रहे हैं आप लोग, तहजीब फाउंडेशन जो काम कर रही है, उसकी क्या ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एक ऐसे माशरे में जो एंटी म्यूज़िक माशरा है? शुक्रिया अमार, म्यूज़िक इन कोविड टाइम्स जो आपने तारुफ में भी कहा और इसमें जिस क्वालिटी का काम शामिल है, थैंक गॉड कि मैं शुरू से इसमें शरीक रहा हूँ। असल में आप देखें कि मौसीकी या कोई भी फाइन आर्ट्स, कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जो प्राइम इम्पॉर्टेंस है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कोई आर्ट क्रिएट करने के लिए, वो है उसका पीस ऑफ माइंड। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं कि उसको क्या क्या उसका बेस मटेरियल होगा। अब पीस ऑफ माइंड के लिए माली आसूदगी ज़रूरी है मुआशरे में, चूँकि हमारे यहाँ आर्ट जो है वो इन दैट सेंस पेड नहीं है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए एक, जैसे हम आम गुफ्तगू में बोलते हैं लफ्ज़ के, वो हवाई रिस्क है उनके लिए। आ गया कोई फंक्शन, हो गया तो उनको कुछ मिल गया, अदरवाइज़ वो बैठे अपना रियाज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या जो प्रोफेशनल म्यूजिशंस हैं। कोविड में ये ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल हो गया कि आप मैन टू मैन कॉन्टैक्ट नहीं है, फासला रखें, दीगर एहतियातें और ये और वो, तो फंक्शंस ख़त्म हो गए। जो हमारा एक बैठक कल्चर था कि आप अनऑफिशियली या वैसे गैर रस्मी तौर पर बैठ के म्यूज़िक कर लेते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। अब वो जो पीस ऑफ माइंड था उसको थोड़ी बहुत याफ्त जो होती थी इन फाइनेंशियल टर्म्स, वो भी ख़त्म हो गई। साथ आपने जिस तरफ इशारा किया कि इत्तेफाक है कि कोविड या इससे मिलते जुलते कुछ हालात में चंद एक वफियात ऐसी हो गई कि वाकई ये बात थी कि इसकी प्रिजर्वेशन और इसका काम तो हम कर रहे हैं तहजीब फाउंडेशन के अंडर, लेकिन इतना ये एक्सपीडियंट हो गया कि इसको हमें
करना पड़ा और हमने उस तमाम जो थी एहतियातें वगैरह उनको बरकरार रखते हुए फिर ये प्रोजेक्ट किए। इनफैक्ट ये काम तो ये था कि ब्रॉडकास्टिंग जो है हमारे यहाँ आप देखिए कि टीवी रेडियो पे प्रोग्राम क्लासिकल म्यूज़िक के उस तरह नहीं होते जितने रेगुलरली पहले हुआ करते थे आज से चंद दहाइयाँ पहले या होने चाहिए। अब कोविड में तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए थी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जो आर्टिस्ट है हमारा, अब आर्ट क्यों करते हैं हम कि इजहार के लिए, अब वो चार घंटे का रियाज सितार अपनी बैठक में घर में बैठ के जो बजा रहा है या ताने मार मार के हलकान हो रहा है, अगर उसको फंक्शन का अपीयरेंस का मौका ही नहीं मिलेगा तो उसकी तमाम रियाजत तमाम मेहनत वो किस काम की है, ना उसको रिकग्निशन मिल रही है ना उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। अब वो दूसरी जो चीज़ हम कहते हैं कि एक इमोशनल स्ट्रेंथ होती है आर्टिस्ट के पास जिसकी बेस पर वो आर्ट क्रिएट करता है, वो किस हद तक उसके साथ चलेगी। इन सब चीज़ों के पेश नज़र इस एल्बम की एक जो थी एक आउटलाइन बनाई गई और फिर आप देखें कि जिस क्वालिटी का म्यूज़िक उसमें प्रोड्यूस हुआ उनको बाकायदा हमने आर्टिस्ट को ये बताया कि ये है वो एक ज़रूरत जिसके तहत आप इंडिया में और फ्रांस में जैसे यहाँ हमने मेन तीन बड़े शहरों में लाहौर कराची और इस्लामाबाद तीन जगहों पर इसको कुछ ने हमें रिकॉर्ड करके भिजवा दिया लेकिन जो हमने किया और वो बगैर ऑडियंस के किया, लेकिन खुशी की बात ये थी कि हमारे आर्टिस्ट ने भी इस आइडिया को इतना अच्छा ग्रैस्प किया कि उनकी वो तमाम विगर उन रिकॉर्डिंग्स में नज़र आती है। जी बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही अहम बात है तहजीब फाउंडेशन के काम के बारे में कि वो इस आर्ट को प्रिजर्व करने के अलावा वो आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और जब हम बात करते हैं ना कि आर्टिस्ट की वेलफेयर हो रही है तो उससे भी आर्ट प्रिजर्व हो रही है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक ओरल ट्रेडिशन है, अगर एक आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी या उसको किसी मजबूरी के तहत ना वो ख़ानदानी विरसा छोड़ना पड़ेगा तो वो उसके शागिर्दों में या उसके बच्चों में मुंतकिल नहीं होगा तो वो फ़न ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तहजीब फाउंडेशन जो है शरीफ ऐवान साहब जो हैं ये उस वेलफेयर के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, इस हवाले से आप कुछ बताइए ऐवान साहब कि क्या चल रहा है। ये किस्सा बड़ा दर्दनाक है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि इसका जिक्र ना आए, सिर्फ ये कि अरसा तो इसी दश्त की सयाही में गुजरा है और हम ये काम कर भी रहे थे लेकिन कोविड के दिनों से ये बड़ा ट्रिगर हुआ। लोग हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिशंस जो हैं आर्टिस्ट हैं, हालांकि तहजीब फाउंडेशन जो है वो दरअसल लिटरेचर फाइन आर्ट्स बाकी फोक म्यूज़िक क्लासिकल म्यूज़िक सबके लिए काम हमारा यानी हम लोग सिर्फ म्यूज़िक तक महदूद नहीं हैं, लेकिन ये जो दिन थे इनसे बड़े तकलीफ देह कैफियतें हमारे सामने आई। बहुत दुख की बात यह है कि जो सरकारी इदारे हैं वो उनकी जो लिमिट्स हैं वो हमें मालूम है, उनकी कैपेसिटी है नहीं, उनके पास फंड्स होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, वो खर्च नहीं हो पा रहे होते, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तकरीबन भूखे मर रहे थे। किस म्यूजिशियन के यहाँ तीन बेटियाँ हैं जिनमें से एक माजूर है और तीसरी की शादी होनी चाहिए, किसके यहाँ वालदेन जो हैं वो बीमार हैं, उसके ऐसी फैमिलियाँ हमारे यहाँ हैं जो गुजर गए। ये जो हमारा वेलफेयर का था चैरिटी का जो सिलसिला था वो उन फनकारों के लिए नहीं था जो कि इस एल्बम का हिस्सा है, वो तो परफॉर्म करके गए, उनको तो हमने नजराना पेश किया होगा। जो ये लोग सामने आए हमारे वो उसमें हर केस में एक कहानी निकलती, किसके क्या मसाइल हैं, किनका क्या जरिए माश है जो ख़त्म हो चुका है, इतनी दुख की एक बड़ी दास्तान है। बज़ाहिर तो ऑफिशियली हमने कोविड के दिन तो ख़त्म हो गए हैं, हम लोगों ने मास्क ही उतार दिया सिर्फ मास्क, लेकिन इसने माशरे के मास्क उतार दिए इस कैफियत ने। और हालत ये है कि वो जो हम उनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान के कम अज़ कम 150 खानदान हैं,
उनकी खिदमत अभी भी हो रही है, जो कि हमारी अब सकत नहीं रही है। इस मामले में ये जो सारा प्रोजेक्ट था, इसमें एक ही हमारे स्पॉन्सर या तो खुद तहजीब फाउंडेशन थी, या फिर ये गेट्स फार्मा का, आप देख रहे होंगे गेट्स फार्मा वाले बहुत ही उम्दा लोग हैं और वो इस फेस्टिवल को भी कर स्पॉन्सर किया उन्होंने। हमारे यहाँ भी हमारे स्पॉन्सर यही थे, बाकी हुकूमती इदारे या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध, उनके अदम तआवुन से ये सारा काम हुआ। तो ये भी यानी है तो फिक्र की बात, लेकिन क्या करें, लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं। मैं ज़रा फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो काम हमें आता है वो हम करते रहेंगे थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा सच्ची बात यह कि इस खिदमत के अलावा हमें, मेरे अंदर तो कोई स्किल भी नहीं है, तो बस आप दुआ करें। लेकिन जो नौजवान बैठे हैं, ये बहुत सारे नौजवान ही, मोस्टली नौजवान ही हमारे पास बैठे हैं, उनसे हमें उम्मीदें बड़ी हैं। आप इसको एक अच्छा काम समझ के म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक सीखें, इससे इंसानी शख्सियत की तहजीब होती है। अगर ये हो जाते तो हम समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट का मकसद जो है वो पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मैं उस तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल हैं बाकी जॉनर्स के लिए, सूफी म्यूज़िक फॉर एग्जांपल है, पॉप म्यूज़िक के लिए, और उसका एक जो अमेलगमेशन है हमें कॉर्पोरेट स्टूडियोज़ में नज़र आता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिशंस को वो स्पेस नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। इस पर अगर आप मुख्तसर बात करें तो मैं उस कहता हूँ अमार साहब, एक्चुअली जितने भी क्लासिकी आर्ट हैं, म्यूज़िक के अलावा बाकी भी अगर हम थोड़ा सा दायरा बढ़ा लें, तो ख़ास तौर पर क्लासिकी म्यूज़िकी का मकसद जो है वो इजहार ज़ात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए बयान कर रहा हूँ, उसके लिए कोई राग की शक्ल मैंने इख्तियार कर ली है या राग के अंदर कोई बोल बना लिए हैं, वो कर लिए हैं। ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, इस वजह से हमारे यहाँ ये एक गैप जो है, क्योंकि इसमें ये वो आर्ट है जिसमें लिसनर को भी ट्रेन होना पड़ता है। आप आर्किटेक्चर को ले लें तो बिल्डिंग तो बना दिया उसने, जो उसके जहन में था उसने ले आया सामने, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत आर्किटेक्चर की सहूलत मैं निकाल दूं अगर बिल्डिंग में से, तो मुझे उसको समझने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ी सी आर्किटेक्चर की समझ भी होना चाहिए। सेम परहैप्स मोर गोज़ फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, कि अगर मुझे उससे ज़रा सी आशनाई नहीं है तो फिर मैं उसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो है ना वो सीख, यानी ये वो आर्ट है जिसको सुनने के लिए भी सीखना ज़रूरी है, और ये इट टेक्स टाइम, जो कि हम लोग बहुत साल से कर भी रहे हैं, कर भी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन हम प्राइमरीली उसको सुन ज़्यादा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जो एल्बम है म्यूज़िक इन कोविड टाइम्स, और गालिबन शायद कुछ और भी एल्बम्स, ये नीचे मकतबा दानियाल का जो बुक स्टॉल है वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये कलेक्टर्स आइटम्स हैं, ये उन वो लोग जो लेकर उसको अच्छी क्वालिटी में सुनना चाहें। हाउएवर ये सारा म्यूज़िक बिल्कुल फ्रीली भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तहजीब फाउंडेशन का जो तहजीब फेस्टिवल के नाम से यूट्यूब चैनल है, और वो उस पर कोई एड्स नहीं लगे हुए, वो कभी मोनिटाइज नहीं किया, क्योंकि ये मकसद ही नहीं है, इनका मकसद ही ये है कि वो उस काम को प्रिजर्व किया जाए, प्रमोट किया जाए, और उन आर्टिस्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। तो आप लोग तहजीब फेस्टिवल का पेज यूट्यूब ज़रूर चेक कीजिए, और अगर आप में से कुछ दोस्त उस एल्बम को लेना चाहें जो कि कलेक्टर्स आइटम है, वो नीचे मकतबा दानियाल के स्टॉल पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है वक्त भी ख़त्म हो रहा है, अगर हम किसी सर आप कोई बात अगर करना चाहें कंक्लूडिंग, और कोई अगर सवाल या कोई कमेंट हो तो हम मुख्तसर किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा कोविड से हट के है, थोड़ा सा मौसीकी पे स्पेसिफाइड है। सर थोड़ा बैकग्राउंड अगर दूँ तो अमूमी तौर पर देखा जाता है माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो मौसीकी को हलाल करार दे रहे होते हैं और एक मौसीकी को जो हराम करार दे रहे होते हैं। तो आप एज म्यूजिशियंस ऑब्वियसली यही कहेंगे कि मौसीकी हलाल है। अगर हम दो मिनट के लिए ये कंसिडर करें कि आप लोग म्यूजिशियंस नहीं हैं, आप लोग न्यूट्रल हैं, तो आप हमें, मुझे या सबको ये क्या बताना चाहेंगे कि अगर म्यूज़िक हलाल है तो उसकी लॉजिक क्या है, या अगर हराम जो लोग कहते हैं है
मौसीकी हराम है, तो उसके पीछे वो क्या लॉजिक देते हैं और हमें किसकी सुननी चाहिए? एक तो और सवाल ले लेते हैं, फिर हम इस पे भी आ जाते हैं। कोई और? चलिए चलिए। देखिए, वैसे तो एक सेकुलर आर्ट फॉर्म है, इसको मजहबी हवालों से ना देखा जाए मुनासिब होगा। अगर आप जोर देते हैं तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमारे मजहब में दो तरह के लोग रहे हैं, एक तो है ज्यूरिस्ट्स, फुकहा, और एक है मुस्लिम फिलासफा, फिलासफर्स। ठीक है जी, ये बात तो आपके इल्म में होनी चाहिए। मौसीकी के बारे में दो राय हैं सिर्फ ज्यूरिस्ट्स के दरमियान में, फुकहा में कुछ लोग इसको जायज़ नहीं समझते और कुछ लोग इसको मुबाह समझते हैं। यानी कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो सही है, लेकिन वो कोई इस पर अपनी राय नहीं देते, क्योंकि वो ये कहते हैं, और फी ज़मान भी हमारे पास स्कॉलर्स मौजूद हैं, जावेद अहमद गामदी सब इंक्लूडेड, जो वो कहते हैं कि ये हमारे यानी फिका की बहस के काबिल ही नहीं है ये बात, क्योंकि ये रहन सहन से ताल्लुक़ रखती है, तालीम से ताल्लुक़ रखती है, उठने बैठने से ताल्लुक़ रखती है। तो एक तो ये राय हो गई, ये उन लोगों की राय है जिनको मैं कह रहा हूँ कि वो फुकहा हैं, उलमा हैं, ज्यूरिस्ट हैं। जो फिलासफर्स हैं पाकिस्तान मुसलमानों के फिलासफर्स सारे विदाउट एनी एक्सेप्शन, वो ये नहीं कहते कि मौसीकी हलाल है या हराम है, वो कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आज तक तारीख में किसी फलसफी ने जो मुसलमानों के बड़े लोग जिनको आप फ़ारबी तो इब्न रुशद तो फलाना तो यानी जो अहले हकम हैं, जो बुनियादी तौर पर वो लोग हैं जिनकी बुनियाद पर आपका पूरा फलसफा जो है वो और आपकी तारीख, और आप बड़े उस पर फ़ख्र करते हैं कि वो सारे लोग जो कि जिन्होंने इस्लामी सोच को डेवलप किया इन 1400-1500 सालों में, वो ये नहीं कहते कि हलाल है या हराम है, वो कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। एक मुख्तसर सी इजाफा करना चाहूँगा, अवान साहब ने तो बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया, जो नौजवान इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये बाज़ इशूज़ हैं फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बात करूँगा, कि जो हमारे सिर्फ जनूबी एशिया के चंद जो इस्लामी ममालिक हैं उनके हवाले से उनको एक कुछ नज़रियात कायम कर लिए गए हैं या कुछ बहसें शुरू हो गई हैं। आप दीगर इस्लामी ममालिक में देख लें दुनिया भर में, वहाँ पर इस नौइयत की इन मौजूआत पर कुछ बहस या इख्तलाफ नज़र नहीं है। थोड़ा सा इसको आप जैसे नौजवान को पढ़ ज़्यादा पढ़ के इसको दिक्कत नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये चंद वजूहात हैं कि जहाँ पर हैं वहाँ नहीं हैं, इसको आप थोड़ा सा इस मौजू पर पढ़िएगा तो फिर आपको वजाहत हो जाएगी इसकी। बिल्कुल ठीक है, और कोई और अगर कॉमेंट या क्वेश्चन हो? जी, अवान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसको सुनने के लिए क्लासिक मौसीकी को हमें ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ पिछली एक दहाई में बहुत अच्छी हुई, कोक स्टूडियो ने हमें इंट्रोड्यूस किया दोबारा लाइव म्यूज़िक की तरफ, और लोग इस चीज़ को समझने लगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो चीज़ यूज़ की वो अच्छी क्वालिटी थी। लोग आजकल क्वालिटी कॉन्शियस बहुत हो गए, तो आपका मटेरियल जो भी है वो उस क्वालिटी को स्टैंडर्ड को मीट करता है तो लोग ज़रूर सुनेंगे। और उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या हम रेडियो का मीडियम यूज़ कर सकते हैं? आज भी FM बहुत सुना जाता है, और उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स लेके अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें रादर देन जस्ट डिपेंडिंग ओनली ऑन रेडियो पाकिस्तान, उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके बिल्कुल, हम तो कुक स्टूडियो के सारे काम को बहुत पसंद करते हैं, और वो हालांकि वो उनका मकसद पैसे कमाना है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हर सरकारी जो हमारे कारोबारी महकमा है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे, चाहे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर और नतज के तौर पर उनको कुछ माली फ़ायदा हो जाए। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारी ट्रेडिशन का चलन हमारे माशरे में इसी तरह हो सकता है। जो जिस YouTube चैनल का जिक्र है, वो कई दफ़ा YouTube ने हमें कहा कि आप उसको मोनेटाइज करें, क्योंकि वो 100 घंटे का बड़ा क्वालिटी का म्यूज़िक है, उसको आप सिर्फ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो हमने काम किया है, थोड़ा सा आपको इस खिदमत का अंदाज़ा हो जाएगा। रेडियो और टेलीविज़न बहुत ही
बड़े मीडियम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली रेडियो को तो हमारे यहाँ एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। जो रेडियो पाकिस्तान का पुराना तरीक़ार था वो ख़त्म हो गया, लेकिन दुनिया में अब भी रेडियोज़ ही हैं जो कि सुने जाते हैं। हमारे यहाँ चैनल्स तो बहुत सारे आ गए, लेकिन वो उनकी जो है प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ये ऐसा होना चाहिए, बहुत आपकी अच्छी राय है और हम चाहते हैं कि ये सारा सिलसिला हो जी। एक छोटी सी बात मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये कोक स्टूडियो ने इसको री इंट्रोड्यूस नहीं किया लाइव म्यूजिक को, जो क्लासिकल ट्रेडिशन है ना ये है ही लाइव सदियों से। ये रिकॉर्डिंग तो अभी की कल की इजाद है, और बल्कि शुरू जो असाज़ा थे हमारे बुजुर्ग असाज़ा वो इसको कई दफ़ा बुरा समझते थे कि हमने रिकॉर्ड नहीं करवाना, क्यों सर ऐसा ही है ना, वो सिर्फ लाइव गाने को ही अच्छा समझते थे। अगर इस पर कोई और एक आई थिंक वी हैव टाइम जस्ट वन फॉर वन मोर क्वेश्चन इफ समबडी वांट्स टू। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच तेजी फाउंडेशन एंड सर अथर एंड सर शरीफ फॉर दिस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से कि आज मैं बहुत सीखने का मौका मिला है। सर बीइंग स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई एम एट वेरी इनिशियल लेवल, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एज बैरियर है क्लासिक म्यूजिक के लिए, लाइक आपका जो इसमें उतार चढ़ाव आता है और जो सुर और स्पेशली आपके लो और हाई नोट्स पे जो वर्किंग होती है, इसमें एज बैरियर है कि आप चूँकि जो आपके क्लासिक म्यूजिक, मेरे ख्याल में जो हिंदी क्लासिक म्यूजिक है वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर बीइंग लर्निंग म्यूजिक सिंस द वेरी अर्ली एज एंड दैट्स व्हाई दे हैव गुड वॉइस, लाइक गुड दे हैव द काइंड ऑफ परफेक्शन अपॉन देयर हाई एंड लो वॉइस नोट्स, तो एज बैरियर के हवाले से अगर आप थोड़ी सी बता दें तो। सर अथर से कोई एज बैरियर कोई नहीं है, दिलचस्पी होना ज़रूरी है, एक डेडिकेशन होना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल फ़न है, ज़रूर है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसको समझने के लिए भी सीखना पड़ता है, तो अगर उस नियत से या प्रैक्टिशनर बनने की नियत से भी अगर सीखें तो एज का कोई बैरियर नहीं है। बेहतर यह है कि अर्ली एज में स्टार्ट, वो तो जो आप इंडिया की मिसाल दे रही हैं वो तो उनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी अमार ने भी इशारा किया कि काइंड ऑफ टैबू यहाँ पर है, तो उस टैबू को भी ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ एन आर्ट लाइक मैनी ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो किसी भी एज में शुरू किया जा सकता है। अब उसमें ये देख लें कि दो किस्म का ये आर्ट है, वोकल भी और इंस्ट्रूमेंटल भी, तो जो भी हो दिलचस्पी उसको वन कैन टेक अप। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, बेटा बात यह है जवानी से बेहतर कोई वक्त नहीं है किसी भी अच्छे काम को सीखने का, जो कुछ करना है अपने वक्तों पे आप लोग कर लें। यानी मुझे ये मैं डिस्क्लोज करूँगा खुदा की नेमत के तौर पर, मैंने जवानी के 12 साल सिर्फ कुरान पढ़ा है, उस कुरान के इश्क में मैंने अरबी ज़बान सीखी है, तफसीरें पढ़ी हैं और तजवीद सीखा है कुरान की, ठीक है। उसी जवानी में मुझे ये भी याद है कि मैं एक दिन यहाँ से रोड बाय रोड इस्लामाबाद से मैं लाहौर गया हूँ और वहाँ से सिर्फ मुझे एक कैसेट मिली है, उस कैसेट में हमारे ज़माने में कैसेट होती थी, आप तो आपके इल्म में भी शायद ना हो, तो उसमें भी जो है आधे घंटे की रिकॉर्डिंग मुझे मिली मेरे पसंद की मौसीकी, और मैं वापस आ गया और मुझे लग रहा यह था कि मैंने पूरी दुनिया फतह कर ली है। तो जो काम है जिस वक्त आपके पास जो वक्त मौजूद है उसको बहुत काफ़ी समझें, उसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर करें। बहुत शुक्रिया ख़वातीनों हज़रात आप सबके वक्त के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऑन बिहाफ ऑफ द फेस्टिवल शरीफ अवान साहब का और डॉक्टर अथर मसूद साहब का कि उन्होंने वक्त निकाला। और जी शुक्रिया।